आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अगला चैप्टर पिवट टेबल का। तो हमने अभी तक की कुछ क्लासेस में आपके साथ होम मेनू बार को फिनिश कर लिया है। होम मेनू बार ऑप्शन से फिनिश करके हम चले गए इंसर्ट मेनू बार में, और इंसर्ट मेनू बार में हम टेबल्स मतलब कि पिवट टेबल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सर मेरे क्वेश्चन है, हेलो सर, ये मोबाइल पर मैं अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ तो इसमें मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा? मैंने आपको बोला था सर, मोबाइल पे रिकॉर्ड नहीं होता है, सिस्टम पे रिकॉर्ड होता है। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, आपको भेज दूंगा। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले बात समझिए कि पिवट टेबल आखिर होता क्या। तो पिवट टेबल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो पिवट टेबल का डेफिनेशन होता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। किसी पर्टिकुलर डेटा को हम समरी क्रिएट करने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पिवट टेबल लगाने से पहले कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखे जाएगा। सबसे पहला कि जो पिवट टेबल जिस डेटा को लगा रहे हैं उस डेटा को आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आप पिवट टेबल में डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि डेटा क्या है और आपको रिपोर्ट क्या बनानी है। तो मेरे सामने एक डेटा है सेल्स का, एक टेलीकॉलिंग सेल्स का डेटा है जो कि फोन करके सेल करते हैं, जैसे कि टीम, किस टीम के किस टीम मेंबर ने कौन सा प्रोडक्ट किस डेट को सेल्स के किस रीजन में और उसने इस कितना घंटा काम किया, कितने घंटे उसने लॉगिन रहा, कितना उसने कितने घंटे वो बात किया, कॉल को होल्ड कितने घंटे रखा और कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल किया और उसके सेल्स पर आवर का रेशियो क्या है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया और एक घंटे में वो कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितने इसके लिए वो कॉल्स किए। अब कॉल्स की मॉनिटरिंग की गई है तो 24 कॉल एक्सीडेंट निकला है, 40 कॉल गुड है एंड 32 पेयर है, 15 है, टोटल 111 कॉल्स को ऑडिट किया गया था और कस्टमर ने इसको जो रेट दिया है 0.5 दिया है। कस्टमर जो होता है रेटिंग के लिए पूछता है पहले ओवर, तो ये डेटा हमारे सामने। सो अब हम जान गए डेटा क्या है, डेटा सेल्स का डेटा है, एक टेलीकॉलिंग कंपनी के सेल्स का डेटा है कि कॉल सेंटर में कॉल करके प्रोडक्ट सेल करता है, उसकी डेटा है, सेल्स का डेटा है, साथ में उसकी क्यूरी का क्यूसी का भी डेटा है, पूरी एम्प्लॉई वाइज टीम वाइज है। तो अब इसमें मुझे अबे पहली चीज होगी डेटा को समझना, दूसरी चीज होती है कि आखिर रिपोर्ट क्या चाहिए और रिपोर्ट का पर्पस क्या है। रिपोर्ट क्या चाहिए और रिपोर्ट का पर्पस क्या है। तो मुझे रिपोर्ट चाहिए कि किस रीजन के अंदर कितने प्रोडक्ट सेल हुए, बस ये चाहिए। अब ऐसा क्यों चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है? तो हमारा पर्पस ये है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि किस रीजन के, रीजन वाइज हमारे गोडाउन है तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे किस रीजन में कितना सेल होता है ताकि हम उसके नियरेस्ट गोडाउन की स्टॉकिंग उसी हिसाब से करें। ठीक है सर? ठीक है। चलिए अब पिवट टेबल लगाने से पहले चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कोई हेडिंग मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई हेडिंग मिस है तो आपको आपका जो पिवट है वो नहीं लगेगा, इसलिए कोई हेडिंग मिस नहीं होनी चाहिए पहली चीज। दूसरी कि आपको पिवट टेबल लगाने से पहले क्या पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। आपके डेटा में अगर बिल्कुल ब्लैंक है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल ए करके सिर्फ ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट करना है, फिर नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है,
तो उसको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब इंसॉल पे चलते हैं, पिवट टेबल एंड राइट। तो एक नई शीट पे इस तरह का आएगा। तो पिवट टेबल कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे जितने भी फील्ड है एक फील्ड का लिस्ट आ गया, और आपको इसलिए बोला था क्योंकि फील्ड के अकॉर्डिंग चलता है। फील्ड ब्लैंक में, अगर ब्लैंक को आपका फील्ड तो यहाँ पे वो पिक नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रीजन्स हुआ, मैं रीजन्स को उठा के रो में रखा, रो में से रखा ताकि रो वाइज लिस्ट आ जाए। हम इसको कॉलम में भी रख सकते हैं, हमारे पास कॉलम वाइज भी आ सकता है, तो हम इसको रो में रखें क्योंकि रो वाइज बहुत अच्छा दिखता है। फिर मैंने सेल्स को उठा के हमने वैल्यू में रख दिया, मेरे पास का टोटल आ गया। अब आ गया इसको एक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट फॉर्मेट में एक अच्छा सा रिपोर्ट बना के भेजना होगा ना। सबसे पहले हम चेंजिंग की बात करते हैं, तो ये हेडिंग्स है, नेम्स है, चेंज कर सकते हैं। जैसे रोज की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीजन, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। टोटल सेल्स, सेल्स ऑफ सेल्स में टोटल सेल्स कर देता हूँ, ऐसे चेंज कर सकता हूँ। इसको भी चेंज कर सकता हूँ। चेंज किसको नहीं कर सकता, तो जो नंबर्स है यहाँ पे जिसका टोटल आया है, इस टोटल का हम सेल नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात रही, तो आप यहां जैसे नॉर्मल डेटा को फॉर्मेट करते हैं ना, बॉर्डर से, कलर से, इस तरह से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप यहां से करते हैं तो क्या होगा कि अगर रिफ्रेश करने के बाद आपका डेटा इंक्रीज होगा। अब बात आती है रिफ्रेश क्यों करेंगे, तो आपके पास जो डेटा है, डेटा में अगर किसी भी तरह का चेंजिंग हुए तो आपको पिवट तभी अपडेट होगा जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे। तभी आपका होगा, हम उसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने भी, मान लीजिए आपने फॉर्मेटिंग किया 9 तक, कल के डेट में डेटा आपका 15 यहां तक आ गया, तो फॉर्मेटिंग आपके यहीं तक होगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग पार्ट ऑफ पिवट तो नहीं है। तो अगर आप चाहते कि नहीं मैं पिवट का ही पार्ट रखना चाहता हूं, फॉर्मेटिंग अगर इंक्रीज डिक्रीज हो तो ओपन से अपने आप को चेंज कर ले। तो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पिवट टेबल में डिजाइन दिख रहा होगा, डिजाइन में जाना है, पिवट टेबल स्टाइल आपको यहां दिखेगा, इस पिवट टेबल स्टाइल में आना है और अपने हिसाब से जो पिवट आपको चाहिए, जिस तरह का फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर चार्ट वार्ट भी चाहते हैं तो नॉर्मली जो चार्ट आप लगाते हैं उस तरह से इसको चार्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और पिवट के साथ आपका कनेक्टेड हो जाता है, और फिर रिपोर्ट को जहां भेजना है वहां भेज सकते हैं, ठीक है। विकास जी एंड संदीप जी, हाँ जी, अब इसमें अगला बात करते हैं कि मान लीजिए कि मुझे अगर एक के अकॉर्डिंग निकालना है, मुझे निकालना है कि किस रीजन में किस प्रोडक्ट का कितना से है, हमें जानना होता है। तो चलिए टेबल लगाते हैं, यहाँ इंसर्ट, हम उसी पेपर में मॉडिफाई कर सकते थे लेकिन हमने अलग लगा रहा हूं। तो यहां पे हमने रीजन को यहां रखा और प्रोडक्ट को हम कॉलम में रखते हैं, और फिर सेल्स को हम टोटल में रखते हैं। टोटल में उसी को रखेंगे जिसका टोटल करना है, ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपने आप रख दिया, मैं एक काम करता हूँ इसको हटाता हूँ प्रोडक्ट को, मैं एक काम करता हूँ मैं टीम मेंबर को रख देता हूँ।
तो देखा टीम मेंबर काफी ज्यादा है तो देखने में दिक्कत हो रही है। तो इसे इसे आप देख लीजिए कि कॉलम में आपको उसी फील्ड को रखना है जिसके पास आइटम कम हो। अगर ज्यादा आइटम हो, मान लीजिए 18,000-20,000 आइटम है तो फिर तो आएगा नहीं, क्योंकि 16,000 तक कॉलम ही होते हैं आपके। अगर मान लीजिए 1,000-2,000 ही हुआ तो क्या होगा कि ये आपका वर्टिकली बहुत ज्यादा चला, ओरिजिनली बहुत ज्यादा चला जाएगा, वर्टिकली नहीं जाएगा। तो रिपोर्ट को देखने में, इसको नेविगेट करने में, प्रिंट आउट लेने में काफी प्रॉब्लम हो। तो ज्यादा होगा उसका क्या करना है, तो उसको उस टीम में उठा के रीजन के नीचे मैं सब मेंबर बना लीजिए इस तरह से जो तो आपके सामने, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का निशान है, इसको बोलते हैं कोलैप्स और एक्सपेंड। यहाँ आप इधर आएंगे ना एनालिसिस में, ये रहा आपका, ये आपका रहा है कोलैप्स, ये रहा आपका एक्सपेंड। तो ये कब होता है, जब बहुत बड़ा डेटा हो जाता है तो इस तरह समरी ऑफ द समरीज को कहते हैं। मैं फ्लोरिडा के बारे में पता करना है तो इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे फ्लोरिडा का रिपोर्ट मिल जाए। ऐसे मुझे हवाई का चाहिए, क्लिक करूंगा मुझे हवाई का रिपोर्ट मिल जाए। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है सर। देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको रिपोर्ट का एज ए पिवट टेबल भेजना है तो रिपोर्ट गुड है, लेकिन क्या है कि हम ऑफिस में अपने रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल नहीं भेजते हैं। हम अपने रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल ना भेज के हम उसको कॉपी करते हैं, कहीं और पे पेस्ट करते हैं, उसकी पेस्ट की गई डेटा को भेजते हैं। एक मिनट सर, एक नोट लीजिएगा। तो मुझे अगर कहीं और कॉपी पेस्ट करके भेजना है तो हमें हर एक सेल में चाहिए, मुझे एक सेल में चाहिए हमारा क्या बोलते हैं रीजन, दूसरे सेल में चाहिए सेल्स पर्सन, तीसरे सेल में चाहिए मुझे सॉन्ग। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो आप डिजाइन में जाएं, डिजाइन में आपके पास रिपोर्ट लेआउट होता है, इस रिपोर्ट लेआउट में आप आए, इस रिपोर्ट लेआउट में आप यहां देखिए तो आउटलाइन फॉर्म या टेबल फॉर्म इसको ले सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि पिवट टेबल पर राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं और यहां डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले हमारा डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट में देगा, क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट। अलग अलग हो गया। अब ये जो अंबाला टोटल, यहाँ पे जो टोटल आ रहा है, हर रीजन का टोटल आ रहा है, फ्लोरिडा कैलिफोर्निया का टोटल आ रहा है, तो इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे सब टोटल रीजन हटा दूंगा तो टोटल हट जाएगा। अब इसको भी कहीं कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक दिक्कत होती है कि फिल्टर वगैरह लगाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये ब्लैंक है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इस तरह से रिपीट होके फिल हो जाए। तो इसके लिए आपको डिजाइन में जहां पे रिपोर्ट लेआउट था उसी में नीचे लिखिए रिपीट ऑल आइटम लेवल। तो जितने भी
ब्लैंक थे वो फिल करके उसको ने फिल कर दिया, जिससे हमें आगे चल के फिल्टर वगैरह लगाने में आसानी होगी जब इसको कॉपी पेस्ट करके किसी पिवट से हटा देंगे तो। अब दूसरा आता है कि कभी कभी जो रिपोर्ट बनाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक होगा, गैप भी हम लोग करके भी लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक करो और यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक, ये ब्लैंक आ गया। हाँ जी जी अपना बोलिए। तो ब्लैंक हो गया, अब सबको हटाना है, नॉर्मल करना है, तो रिमूव, डू नॉट रिपीट। और रिपीट करने के बजाय मैं मर्ज करना चाहता हूं, इसको सेलेक्ट करके मैं चाहता हूं कि मर्ज हो जाए। तो डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, डायरेक्ट मर्ज करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस और मर्ज एंड सेंटर करके ओके कर दूंगा। मर्ज हो गया। ठीक है संदीप जी, ठीक है सर, ये हो गया। अब दूसरा एक चीज और आता है कि मैं देखना चाहता हूं कि भाई ये इसने 20 सेल किया है, इसका डेटा देखना चाहता हूं। इसमें मैं अगर मैं डबल क्लिक किया तो एक अलग शीट पे उसका पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। तो आपको बार बार फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, बस आप डबल क्लिक करें और आपका आ जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और डेटा पे जाइए, और यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, अनेबल शो डिटेल्स, इसको अनचेक कर दीजिए, ओके कर, ये आपका नहीं। मैं रीजन उठा रहा हूं, बोलिए सर। एक बात बताइए, ये जो मतलब जो नई शीट इंसर्ट होकर आती है, जो डिटेल दिखाती है, वो खाली नंबर्स पे काम करती है? इस पे डबल क्लिक करना है आपको, टोटल पे करना है ना, तो इस वैल्यू फील्ड में जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और कुछ नहीं सर। मैं रीजन को यहां रख देता हूं। तो रख लेते हैं, आप देखिए यहां पे दो चीजें, एक तो ये ब्लैंक आ रहा है, मैं तो ब्लैंक जितने भी है सब जगह पे जीरो हो जाए, या फिर मेरा कुछ का अपना खुद का वर्ड हो, तो राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन में, और पहले ही आप देखिए फोर एम्पटी ठीक है, इसमें जीरो कर दीजिए, एन ए कर दीजिए, कुछ भी करना कर दीजिए, जैसे ओके कीजिएगा वो उससे फिल हो जाएगा। सर एक बारी राइट क्लिक करके दोबारा दिखाइए सर, एक बारी प्लीज। राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस, जहां पे आपने मर्ज किया था उसी का तीसरा ऑप्शन। अच्छा ठीक है सर, इसमें अगर मैं डैश लगाता हूँ तो ये तब भी जीरो ही शो करता है? क्या डैश कर दूंगा क्या हो जाएगा? जीरो ही शो करता है, ये डैश शो नहीं करता। नहीं, डैश और जीरो इक्वल होता है, फॉर्मेटिंग चेंज होता है। जैसे अगर जीरो करना है, डैश करना है आपको, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाए, पिवट टेबल ऑप्शन में माफ कीजिए, फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट सेल में जाइए और इसको अकाउंटिंग कर दीजिए। हाँ, इसका अकाउंटिंग कर दीजिए, अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में नन कर दीजिए। हो गया जी सर, इसलिए नहीं करता ताकि कंफ्यूजन ना हो जीरो और वन, इसमें जीरो और डैश को एक ही समझता है, इसलिए अल्फाबेटिकल डालेंगे तो वो आएगा, अगर जीरो की जगह कुछ भी डालेंगे। दूसरा, जैसे आप रिफ्रेश कर, मान लीजिए मैंने अपने हिसाब से इसको एक देखे डाल रखा हूं, मैंने इसको हिसाब से अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया, क्लियर, ऑटो फिट कर दिया, अपने हिसाब से सेट कर दिया, इसको सेट कर दिया। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं, बाकी सही हो जाता है, जैसा तो वैसा हो जाता है।
तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे आपका जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ऑटो फिट हो जाए, ओरिजिनल ऑटो फिट हो जाए। तो पिवट टेबल ऑप्शन में ऑटो फिट कॉलम विद मेन्यू अपडेट एंड पीसर फॉर्मेटिंग मेन्यू अपडेट, मतलब कि आपने कुछ भी फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है और आपने अपडेट किया तो फॉर्मेटिंग अब आपका पहले का फॉर्मेटिंग हो जाए, पीसर हो जाए, ठीक है। ठीक है संदीप जी, ठीक है सर, इसको आप अपने हिसाब से हटा सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं ग्रांड टोटल यहां दिख रहा है, नीचे भी टोटल दिख रहा है, टोटल्स भी आपको नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन में और यहां से हटा दीजिए, राइट। चलिए तो यहां मैं मामले गलत कर दिया, जाने की जल्दीबाजी इसमें, ये रहा टोटल रो एंड कॉलम, ओके कीजिए, कट गया सर। तो मैं आपको ये डेटा भेज रहा हूं, राइट सर, मेल पे। मुझे इसके कम से कम 10 डिफरेंट डिफरेंट पिवट और डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन वाले पिवट बना के मुझे भेजिए। तो इसमें आगे हम आगे के पार्ट को करेंगे, सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, ग्रुपिंग, इन सब चीजों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पिवट टेबल टोटल 4 क्लासेस होगी, पहली क्लासेस पिवट टेबल समरी थी, दूसरी क्लासेस आपकी होगी पिवट टेबल ग्रुपिंग मूविंग सॉर्टिंग, और तीसरी क्लास में होगी कैलकुलेशन, और चौथी क्लास होगी एक्सटर्नल। तो ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं, आप कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे।